क्रिस में प्यारे मित्रों, आज हम वर्ष का 20वां इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। सबको जय यीशु की। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो फूट डालने आया हूँ। यीशु के मुख से ऐसे बातों का निकलना हम सबको अचंभे में डाल देता है। मसीह के विषय में उनके जन्म से पहले ही नबियों ने उन्हें शांति का राजा, वही हमारी शांति है कहा था। उन्हें जन्म के समय स्वर्गदूतों ने गाया था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पिछली ब्यारी में यीशु ने अपने चेलों को सांत्वना देते हुए कहा था, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हम यही बात याद करते हैं और सुंदर स्वरों में पुण्य शुक्रवार को गाते हैं, यह मेरी नई आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। प्यारे मित्रों, जो मानव प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यीशु ने जी उठने के बाद भी चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर यीशु ने सुसमाचार प्रचार के लिए अपने चेलों को भेजते समय यह निर्देश दिया, जब तुम किसी घर में प्रवेश करते हो तो कहो, इस घर को शांति। यह सब स्पष्ट दिखाता है कि यीशु हमारे बीच शांति चाहते हैं और शांति देने वाला भी वही है। ईश्वर से दूर रहने वाला व्यक्ति साधारण अपने में बेचैनी महसूस करेगा। ईश्वर अपनी उपस्थिति यह आग का अर्थ है कि प्रभु कहना चाहते हैं कि हमारा प्रयास और लालसा ईश्वर की इच्छा पूरी करने में आग की तरह धधक उठे। आइए हम इस मतलब प्रार्थना करें प्रभु यीशु से, और सबको हैप्पी संडे। आमीन।